टीम का रैपअप आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और टानला प्लेटफॉर्म्स ये स्टॉक रखी अपने रडार पे, एक्सिस बैंक के साथ एक पैक्ट किया है फिशिंग और जो स्कैम सर्विसेज होती हैं उससे क्लाइंट्स को कैसे बचाया जाए उसको रिलेटेड ये पैक। सीगल इंडिया 1000 करोड़ से ज़्यादा के नए ऑर्डर्स, रीसेंट लिस्टिंग है, स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। SJVN इनका एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कमीशन हो गया है जिसके बाद स्टॉक आज फोकस में और रडार पर रखना चाहिए। बिरला कॉर्प नतीजे काफ़ी कमज़ोर, मार्जिन पे भी असर Q1 में देखने को मिला है। हेल्थ केयर ग्लोबल, वाटेक, वाबा, गरवारे फाइबर्स ये स्टॉक्स भी रखे रडार पे, नंबर्स अनुमान से बेहतर यहाँ दिख रहे हैं। PFC जापानीज एजेंसी से इनको एक 25.5 बिलियन येन का लोन सैंक्शन हो चुका है जिसके कारण यहाँ भी आप एक्शन देख सकते हैं। लैंडमार्क कार्स मर्सिडीज नए 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है जिसका फायदा इनके डिस्ट्रीब्यूटर लैंडमार्क कार्स को हो सकता है। और PI इंडस्ट्रीज यहाँ सिटी की बाय कॉल है, करंट मार्केट प्राइस से लगभग 20-25% अपसाइड उनको इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखा रही है। ओके, टीम पे फोकस, पूरा नतीजों पे ध्यान रखा है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट, ओएन, टेगा इंडस्ट्रीज, आयशा मोटर्स, HPL, इंडियन ह्यूम, ये सब नतीजों पे हैं। बायोगन के नतीजे बहुत कमज़ोर हैं तो इसलिए इसको रेड में रखा है। ONGC इसलिए क्योंकि नतीजे परसों आ गए थे लेकिन उस पर मॉर्गन स्टैनली की अपग्रेड आया और बहुत बड़ा टारगेट 430 का टारगेट दिया है। कोचिन शिपयार्ड के बहुत शानदार नतीजे हैं, मार्जिन में करीब 10% का इंप्रूवमेंट है। भारत रसायन भी वैसे ही है और गुजरात गैस के नंबर के बाद जो रिपोर्ट आई जेफ्रीज की उसमें टारगेट कट किया, रिड्यूस की कॉल दी है। उनका मानना है कि मोरबी का वॉल्यूम 50% गिर गया प्राइस राइज के बाद, तो इसको उन्होंने रिड्यूस की कॉल दी है। ओके, निफ्टी की जरा फ्री ट्रैक्टरी को लिखे आइए, इट्स आई थिंक आपके स्क्रीन पे 24385 270 अंकों पर। राजेश जी गुड मॉर्निंग, संक्षेप में आपके आज के दो ट्रेड्स क्या पिक करेंगे आप इन टीम्स में से? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन। वीरेन देखिए, अगर यतीन जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया लगता है वो है हेल्थ केयर ग्लोबल का चार्ट। मुझे लगता है यहाँ पे स्विंग मिलना चाहिए, 375-380 इंट्राडे का टारगेट होगा, 350 ये इसका स्टॉप लॉस होगा। नीरज जी की टीम देखे तो बहुत ही क्लीन चार्ट है, दैट इज ONGC, इसका टारगेट रहेगा वीरेन करीबन 335-340 का, तो ONGC को लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 320। तो ये वो ट्रेड्स जो आप रेडार पर रखेंगे दोनों ही टीम्स में से। चलिए टॉप 10 काउंट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।